करण दिखाएगा प्रीता को अपनी शादी की फोटो और प्रीता के सामने आ गई करण उसका पति है और शौर्य उसका बेटा है इसकी असली सच्चाई। जे हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण गुस्से से जेल में आएगा और शौर्य को कहेगा आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो और तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें लूथा इंडस्ट्री से और लूथा परिवार से बेदखल करता हूँ, तभी यह सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी प्रीता जेल में शौर्य को टिफिन देने आई करण की यह सारी बातें सुन लेगी और करण के सामने आकर प्रीता करण को कहेगी कि मिस्टर करण लूथरा ये गलत है, शौर्य ने कुछ नहीं किया और आप शौर्य पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, शौर्य को प्यार की जरूरत है, उसके माँ बाप के प्यार की जरूरत है जो उसे कभी मिला नहीं। तब यह सुनकर करण प्रीता को कहेगा कि ये प्यार तुम क्यों नहीं दे देती, आखिर तुम भी तो शौर्य की माँ हो। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी करण कहेगा कि प्रीता क्या हुआ, बोलो ना अब बोल क्यों नहीं हो। तभी यह सुनकर प्रीता कहेगी कि हाँ मुझे पता है कि मैं शौर्य की माँ जैसी हूँ, लेकिन असली मॉम डैड शौर्य के तो आप ही और निधि जी है ना। जिसे सुनकर करण कुछ समझ नहीं पाएगा और करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण अपने मन में कहेगा कि प्रीता ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि प्रीता को अच्छे से पता है कि शौर्य हमारा बेटा है। तभी यह मन में सोचकर करण प्रीता को कहेगा कि प्रीता तुमने ऐसा क्यों कहा कि शौर्य मेरा और निधि का बेटा है। तभी यह सुनकर प्रीता कहेगी कि ये कैसा सवाल हुआ, आपकी शादी निधि से हुई है और निधि ने शौर्य को जन्म दिया है तो ऑब्वियसली निधि उसकी माँ होगी ना और आपकी पत्नी होगी ना। तभी यह सुनकर करण प्रीता की याददाश्त चली गई है ये समझ जाएगा और करण प्रीता का हाथ पकड़ के अपने घर ले जाएगा। यहाँ पर जब प्रीता करण को कहेगी कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तभी करण कहेगा चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो शायद तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, मुझे हर वो पल याद है। यह सुनकर प्रीता कुछ समझ नहीं पाएगी, जहाँ पर करण प्रीता को अपने कमरे में ले जाएगा और प्रीता को कहेगा कि 2 मिनट रुको। तभी करण अपने कमरे में अपने लॉकर से अपने और प्रीता की शादी की 20 साल पुरानी फोटो निकालेगा और प्रीता को दिखाएगा और प्रीता को कहेगा कि देखो प्रीता ये हमारी शादी की फोटो। तभी प्रीता जब अपने और करण की शादी की फोटो देखेगी तभी प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता कहेगी ऐसा कैसे हो सकता है। तभी करण प्रीता को कहेगा कि प्रीता सीरियसली तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तभी प्रीता कहेगी नहीं मैं यहाँ मुंबई शहर में अभी पहली बार मेरे बेटे राजवीर के साथ आई हूँ और अभी अभी नहीं आई हूँ और मैं आप लोगों को जानती तक नहीं और यह करण राजवीर के साथ आई हूँ। बात सुनकर करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और करण तभी प्रीता को कहेगा कि प्रीता अभी तुमने क्या कहा कि तुम तुम्हारे बेटे राजवीर के साथ आई थी, यानी राजवीर तुम्हारा बेटा है। यह सुनकर तभी प्रीता कहेगी नहीं राजवीर मेरा बेटा नहीं है बल्कि मेरे बेटे जैसा है, राजवीर मेरी छोटी बहन सृष्टि का बेटा है लेकिन बचपन से मैंने राजवीर को पाला है और उसे बड़ा किया है। यह सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और करण प्रीता को कहेगा कि आई एम डैम श्योर राजवीर और कोई नहीं बल्कि हमारा ही बेटा है, क्योंकि प्रीता 20 साल पहले हमारे जुड़वा बच्चे हुए थे जिनमें से एक शौर्य था जो हॉस्पिटल में था और एक वो अंजलि ले गई थी जिसके साथ तुम्हारा हादसा हो गया था। यह सुनकर प्रीता कुछ समझ नहीं पाएगी और करण प्रीता को पूरी तरह से याद दिलाने की और प्रीता की याददाश्त लाने की कोशिश करेगा और लेकिन अब यह शो में बड़ा राज प्रीता का पति और कोई नहीं बल्कि करण है और शौर्य उसका बेटा है इसकी असली सच्चाई प्रीता के सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आप करण प्रीता की जोड़ी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।